HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, आप सबका स्वागत है HJ न्यूज में। US शिकागो में जेम्स टन नाम का शख्स मैदान में वॉक कर रहे था, तभी उसकी नजर हिलते हुई घास पर पड़ी। जब उसने पास जाकर देखा तो वहाँ एक नवजात बच्ची रखी हुई थी। इस नजारे को देखने के बाद पहले तो वह सहम सा गया, लेकिन बाद में उसने पुलिस को इसकी सूचना दी। जानिए क्या है पूरा मामला। जेम्स ने बताया कि हर दिन की तरह सुबह में वो शिकागो मैदान में घूम रहा था, तभी उसे एहसास हुआ कि उसके आसपास घास हिल रही है। उसने नजदीक जाकर देखा तो वहाँ एक मासूम बच्ची पड़ी हुई थी, जिसकी नाभि तक नहीं काटी थी। इतना ही नहीं, वो बिना कपड़ों की थी और लगातार रोए जा रही थी। उसने बिना देरी किए हुए इसकी सूचना पुलिस को दी और कहा कि उसे यहाँ के मैदान में एक बच्ची मिली है। वहीं पुलिस बिना देरी किए हुए मौके वारदात पर पहुंच गई और बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस के मुताबिक बच्ची ब्लैक फीमेल थी और जिस हालत में वो मिली थी उसके मुताबिक करीब 2-3 घंटे पहले ही उसका जन्म हुआ था। जेम्स ने बताया कि बच्ची को देखने के बाद यह लग रहा था कि उसका जन्म कहीं और हुआ था और बाद में उसे लाकर मैदान में रख दिया गया। हालांकि उसका यह भी कहना था कि जिस महिला ने इस बच्ची को जन्म दिया है वो कहीं अपने परिवार के डर से उसे यहाँ रखकर चली गई होगी।